नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ का जो फोर्थ लेसन है पार्ट्स एंड होल, इसका सेकंड पार्ट ये वीडियो है। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड to prepare the equivalent fraction and the different questions based on the equivalent fraction. Second thing is reduce fraction into simplest form. So all of you watch this video completely, like this video, share it with your friends and subscribe the channel. Let's go. First one is equivalent fraction. Equivalent fraction. बच्चों, ये जो equivalent शब्द है ना, ये दो वर्ड से बना है। equi का मतलब होता है equal and ये valent का मतलब होता है वैलेंसी या वैल्यू, या इसका आप वैल्यू भी मीनिंग निकाल सकते हैं। जिसकी वैल्यू इक्वल हो, अभी आपके लिए वैलेंसी वर्ड का कोई काम नहीं है, तो जिसकी वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो, तो ये इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू। तो इक्वल वैल्यू मतलब दोनों का मिलके वर्ड बन गया इक्विवेलेंट। फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, सो इक्विवेलेंट। अब देखिए ये प्रिपेयर कैसे करना है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ऐसा है, राइट क्वेश्चन इस तरह से है, राइट फोर फ्रैक्शंस, राइट फोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, राइट फोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। एक आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा, आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और उसके इक्विवेलेंट चार फ्रैक्शंस आपको लिखने हैं। अब पहले हम प्रिपेयर देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, 3/7। अब 3/7 का आपको इक्वल फ्रैक्शन बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो रूल क्या कहता है, यू शुड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी नंबर और डिजिट एक्सेप्ट वन। राइट, सो write down the fraction as it is and multiply 2 to the numerator and multiply 2 to the denominator. What is the method? Method says multiply numerator and denominator, multiply numerator and denominator by same number or digit except one। आया समझ में, क्या रूल है ये, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर और डिजिट। आप सेम नंबर से, सेम डिजिट से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पर आंसर आया 3 2 6, 7 2 14। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो जरूर नहीं कि आप 2 से मल्टीप्लाई करें। मैंने रूल में कह दिया एक्सेप्ट वन के सिवा कोई भी नंबर, एक्सेप्ट वन यू कैन यूज एनी डिजिट एनी नंबर,
एक छोड़ के कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आपको लेना है, लेकिन ध्यान इतना रखना है जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन ओनली यू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तभी जाके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका एक निकालिए हम देखें। अब 3/7, चार बोला था ना, एक हमने निकाला था, 3/7। इन दिस क्वेश्चन से क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो राइट फोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। यू हैव टू राइट द फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 3, या मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4, या मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 11। यू कैन यूज एनी नंबर और डिजिट, बट इट मस्ट बी सेम। यू कैन यूज एनी नंबर और एनी डिजिट, बट इट मस्ट बी सेम फॉर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए वो सेम होना जरूरी है। 7 3 3 जा 9, 7 3 जा 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 3 11 जा 33, 11 7 जा 77। हियर यू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7, थ्री डिफरेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले, 3। आप ऐसे कितने भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर और राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, जितने चाहे उतने। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। तो ये 2/7 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। यू शुड राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। बहुत आसान है बेटा, बस टेबल बोलना है। कैसे, बस टेबल के लिए एक ही नंबर होना चाहिए, जैसे कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब क्या किया मैंने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से ही। अब मैं नेक्स्ट 3 का टेबल बोलूँगा, 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, हो गया। अब 2 4 जा 8, आया समझ में, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, मिल गया नेक्स्ट फ्रैक्शन। 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। क्या किया हमने, हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज 5/9, 5/9, एंड द क्वेश्चन इज यू शुड राइट द फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। यू शुड राइट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन के, दिए हुए फ्रैक्शन के चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। कैसे बनाओगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैंने जैसे बताया, एक ही नंबर से ऊपर मतलब न्यूमरेटर को और उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे शुरू में, वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, तो हम आसान करेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा मतलब 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
फाइव थ्री जा 15, नाइन थ्री जा 27, फाइव फोर जा 20, नाइन फोर जा 36, फाइव फोर जा सॉरी फाइव थ्री जा फाइव फाइव जा 25, नाइन फाइव जा 45। मतलब बच्चों एक्चुअली बहुत ही आसान है टेबल बोलना है। 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 5 5 जा 25, 9 5 जा, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चल तो मुझे लगता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको कितने एग्जांपल लिए हमने अभी तक, 1 2 और ये 3। चलिए और 2 एग्जांपल लेते हैं। 4 by 8 एंड 11 by 20, बड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं। तो वही क्या करना है, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 4 2 जा 8, इसका इंक चेंज कर लेते हैं, हाँ 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 8 5 जा 40। मतलब एकदम सिंपल है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना बहुत ही आसान है। यू शुड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब 11 का 11 2 जा 22, 22 जा 40, 11 3 जा 33, 23 जा 60, 11 4 जा 44, 24 जा 80, 11 5 जा 55, 25 जा 100। बस टेबल लिखना है, 2 का टेबल 2 का टेबल, 3 का टेबल 3 का, 4 का 4, 5 का 5। इतना आसान है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना, इतना आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए अब मैं होमवर्क देता हूँ आपको, ये होमवर्क आपको करना है। होमवर्क में देता हूँ, यू हैव टू राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला है ए 3 by 7 एंड बी एग्जांपल है 6 by 5। तो ये 2 एग्जांपल्स को आपको, हर एक एग्जांपल्स के 3, 3 by 7 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। यू शुड राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3 by 10 एंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 6 by 5। नेक्स्ट, अब हम इसमें चलते हैं, इसमें ही आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बाय नहीं लिखना है, यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो रूल है उसको ही यूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। यू शुड यूज द रूल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, पहला वाला देखिए, 3 by 8 is equal to 21 by dash। अब इसको ध्यान से
समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको क्या करना है बच्चों। यहाँ दो न्यूमरेटर दिए हैं लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई करने से ये मिलेगा, यू शुड जस्ट फाइंड आउट विच नंबर शुड वी यूज टू मल्टीप्लाई टू द 3, देन वी गेट 21। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 21 मिलना है, और इसका आंसर हम अगर 3 का टेबल बोलेंगे तो 3 7 जा 21। तो आपको डिनोमिनेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, एंड द आंसर इज 56। कैसे किया एक बार फिर बता रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड योर फर्स्ट द रिलेशन बिटवीन 3 and 21, एंड वी फाइंड आउट दैट 3 7 जा 21। यूज द सेम रूल टू द डिनोमिनेटर, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 इज द रूल, सो 8 7 जा 56, एंड इट इज योर आंसर। नेक्स्ट 7/11 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय और गैप और डैश 121। अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर 11 को किससे मल्टीप्लाई करने से 121 मिलेगा। याद रखना 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई करने से 121 मिलेगा। When we multiply 11 by 11, then we get 121. It means that multiplication by 11 is the rule. 11 से मल्टीप्लीकेशन करना यहाँ रूल है। We should apply the same rule to the numerator and we should get the answer 7 11 जा 77। कैसे क्या समझ में आया ना, हमें क्या ढूंढना था बच्चों, 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 121 आ जाता है। तो आपको ये समझ में आता है कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से 121 आता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। तो सेम वे हम न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मिलेगा 77। अब थर्ड एग्जांपल, डैश डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 72। अब सोचिए 9 और 7 के 72 के बीच में क्या रिलेशन है, 9 और 78 के बीच में क्या रिलेशन है 72 के, तो 9 8 जा 72। इसका मतलब है अगर हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 72। तो सेम किसको यहाँ पर हमें ये ढूंढना है कि कौन से नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करने 64 मिलेगा, तो आंसर है 8। क्या रूल बताया था मैंने, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे 8 तो ऊपर भी 8, तो हमें मन में ये सोचना है कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करने 64 मिलेगा, जो तो 8 8 जा 64। तो हमें 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। 3/5 इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय 45। रूल इज सेम हियर, यू शुड रिलेट बिटवीन 5 and 45। यू शुड फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन 5 and 45। आपको ये फाइंड आउट करना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करने से 45 मिलेगा, एंड द आंसर इज, ढूंढो जल्दी ढूंढो क्या आंसर है, मिल गया, ये आंसर है 9। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है 45। सेम हम 9 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आता है 27। क्या आता है, 3 9 जा 27, दैट इज योर आंसर। कैसे पता कर लिया हमने, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रूल बिटवीन 5 and 45। 5 और 45 के बीच में रूल क्या है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो 45 मिल जाएगा,
उसी रूल का ही उपयोग करके हमने यहाँ पर आंसर फाइंड आउट किया है। अब हम देखते हैं होमवर्क, होमवर्क करेंगे। 6 / इज इक्वल टू 24/52। ये हो गया ए। और एक देता हूँ आपको, 4/10 इक्वल टू 16/। तो यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क में दो न्यूमेरिकल दिए हैं, उसको ऐसे ही करना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, इफ़ यू नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, देन यू शुड गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में शुरू से अभी तक मैंने क्या क्या बताया उसको दोबारा देखिए। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड देन आई कन्फर्म दैट देयर आई विल गारंटी दैट यू कैन सॉल्व दिस होमवर्क। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारी हेडिंग है रिड्यूस, हेडिंग है हमारी रिड्यूस। ईच ऑफ द फॉलोइंग, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द टू सिंपलेस्ट फॉर्म, टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आप अभी बोलेंगे सर आपके मन में ये शंका आ सकती है कि सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। चलो देखते हैं, एग्जांपल देख के आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है सॉरी, 8/24। आपको ये सोचना है, ये दोनों नंबर, आपको ये सोचना है कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। हियर टू रिड्यूस द फ्रैक्शन यू शुड फाइंड आउट दैट दीज टू नंबर्स आर कम अंडर द टेबल ऑफ डैश, और विच इज़ द नंबर और विच इज़ द मल्टीपल, ये किसके मल्टीपल हैं, ये किस नंबर के मल्टीपल हैं, किसके टेबल में आते हैं, मतलब ये किस नंबर के मल्टीपल है। और आप ध्यान दोगे बच्चों, दोनों दोनों के दोनों 8 के टेबल में आते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। कैसे क्या, मैंने ये पहले फाइंड आउट किया कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, और मुझे पता चला कि ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं। बोथ ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 8, सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। इसको कैंसिलेशन भी कहते हैं बच्चों, 8 से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। कंफ्यूज मत होना, मैं बाद में सिखाऊंगा इसको कैंसिलेशन, आप 6 में सीख जाएंगे। इतना याद रखना, दोनों नंबर जिसके टेबल में आते हो यहाँ लिखना। चलिए और एग्जांपल लेते, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल इज 40/100, 40/100। तो 40 और 100 किसके टेबल में आते हैं, तो ये दोनों के दोनों 20 के टेबल में आते हैं। 22 जा 40, 22 जा 40, 25 जा 100। कैसे किया, लेकिन बच्चों इसके लिए आपको कम से कम 30 तक का टेबल बाय हार्ट होना ज़रूरी है। मैंने पहले भी क्लास में बताया है, मैं वीडियो में बताता हूँ, जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनको कम से कम 30 तक का टेबल आना ज़रूरी है, तभी आपको ये पता चलेगा कि दोनों नंबर को किससे डिवाइड कर पाता। द टेबल मस्ट बी बाय हार्ट टू यू, देन एंड देन ओनली यू कैन फाइंड आउट विच नंबर इज देयर विच एन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिवाइड डिनोमिनेटर कम्प्लीटली। कौन से नंबर को आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, या मल्टीपल क्या हो सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है, वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चों।
चलिए और दो एग्जांपल देखते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 63, 35 डिवाइडेड बाय 63। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं 2-3 सेकंड, एक पास 10 सेकंड देता हूँ, सोचिए, जरा सोचिए कि दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। बोथ द नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ विच नंबर, किसके मल्टीपल हैं। और आपको ध्यान देने से पता चलेगा, ये देखिएगा, 75 जा 35 एंड 79 जा 63, 75 जा 35, 79 जा 63। इस तरीके से आपको ये करना है। लास्ट एग्जांपल देता हूँ एक और, 10 बाय 25, 10 बाय 25। तो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। और ये दोनों आते हैं 5 के टेबल में। बोथ दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो बच्चों इस तरह से इसको रिड्यूस करना है। टेबल अगर याद नहीं है तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, ये बहुत मुश्किल है भी। जब तक आप टेबल याद नहीं करते तब तक ये मुश्किल ही है, तो टेबल ज़रूर याद करिएगा। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, बस एक होमवर्क दे रहा हूँ, 50 बाय 75, 50 बाय 75। तो इसका आपको मुझे रिड्यूस करके आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।